मेरे पास index.html का एक पेज है, इस पे बेसिक कोड मैंने ये लिख लिया, राइट। बेसिक कोड मैंने ये लिख लिया और इस पे मैं सबसे पहले तो हेडिंग लगा देता हूँ, क्या लॉगिन साइन अप विद लोकल स्टोरेज STORAGE, सही। अब मुझे अगला काम क्या करना है, सबसे पहला काम साइन अप का फॉर्म बनेगा। अच्छा, तो साइन अप के फॉर्म के लिए मैंने लिखा फॉर्म और इसमें से ये एक्शन हटा दिया। अच्छा, और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, इनपुट, इनपुट का नाम टेक्स्ट रखा मैंने। मैंने कहा भाई सबसे पहले आप ईमेल बताओ अपनी साइन अप होने के लिए, और ईमेल के अलावा क्या क्या चाहिए मुझे, फुल नेम चाहिए एक्चुअली मुझे, फर्स्ट नेम, गिटहब को पायलट के मज़े ख़त्म हो गए, सही है, उन्होंने ट्रेल अपना एक्सपायर कर दिया। अच्छा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, और रिपीट पासवर्ड, और लास्ट क्या चीज़ होगी, एक जेंडर कर दिया, चलो जेंडर को बल्कि थोड़ा ऊपर रखते हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। रिपीट पासवर्ड कर दिया ना, कंफर्म रिपीट एक ही बात होगी, सही है। और इसमें थोड़ा सा मैंने BR भी लगा दिया लास्ट में, ताकि वो हर चीज़ को एक नई लाइन में लिखे। अच्छा, इसको साथ साथ चलाते भी जाते हैं कि भाई चलने के बाद ये लगता कैसा है। कुछ इस तरह का फॉर्म मेरे पास अभी फ़िलहाल बन चुका है, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह का फॉर्म बन चुका है, इसके अंदर मुझे एक आदत क्या चाहिए, साइन अप का नीचे बटन भी चाहिए, बटन साइन अप, और इस बटन की टाइप क्या रखूँगा मैं, टाइप सबमिट रखूँगा। अच्छा, फॉर्म के ऊपर मैं क्या लगाऊँगा, ऑन सबमिट, ठीक है, एक फंक्शन लगाऊँगा मैं कि डू साइन अप, कोई भी फंक्शन का मैं नाम रख सकता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने इवेंट एक ले लिया, जाहिर है जब साइन अप के बटन पर क्लिक होगा तो मुझे क्या मिलेगा, इवेंट। इवेंट का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम इवेंट के जरिए करेंगे। पहले तो हम रिटर्न फॉल्स लगा देते थे ना, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे, ठीक है, वो शुरू में बिगनर थे आप लोग इसलिए रिटर्न फॉल्स बताया था। इवेंट यहाँ पे मैंने ले लिया, अब आता हूँ मैं नीचे अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। स्क्रिप्ट के ऊपर आते ही मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन बनाऊँगा डू साइन अप, ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो इवेंट का ई मिल जाएगा, क्योंकि मेरा फंक्शन है, मैं इसमें पैरामीटर किसी भी नाम से रखूँ, मेरी मर्जी है। ये सीट थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही है आज। वेल, अच्छा, तो डू साइन अप में मैं सबसे पहले इवेंट जैसे ही मुझे मिला ना, तो मैं क्या बोलूँगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ये प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या चीज़ है, कुछ नाम से समझ में आ रहा है। जैसे आपको मैंने इवेंट वाली क्लास में एक एग्जांपल दी थी, किसी ने अगर वो क्लास मिस कर दिए तो वो उसकी वीडियो है रिकॉर्डेड, वो आप जो बैच 8 वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पब्लिक कर दी। शुरू में मैं कुछ प्राइवेट कर रहा था, केयर अटेंडेंस कम होती थी, लेकिन मैंने देखा उसको नहीं देने से और कम हो रही है अटेंडेंस, फिर मैंने वाला पब्लिक ही कर दिया उसको, ठीक है। तो इवेंट वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जैसे हम फ्रिज का ढक्कन खोलते हैं, तो ढक्कन खुलना एक इवेंट है, और ऑटोमेटिकली अंदर क्या होता है, लाइट जल जाती है, ठीक है। तो जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं ना, इवेंट ये अकर होता है, तो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें कनेक्टेड है इसके साथ, वो हो जाती हैं। वो क्या है, पेज का रिफ्रेश होना। तो हम जब ये लगाते हैं ना प्रीवेंट डिफॉल्ट, तो वो सारी डिफॉल्ट चीज़ें जो कनेक्टेड है ना, उनको वो डिस्कनेक्ट कर देता है, कहता है कि यार इस इवेंट पे जो जो डिफॉल्ट चीज़ें कनेक्टेड है पहले से, उनमें से कोई भी नहीं करना, कोई भी नहीं करना उनमें से, ठीक है। तो ये प्रीवेंट डिफॉल्ट मैंने इसलिए लगाया, इससे अब ये रिफ्रेश होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट इवेंट सारे रोक दिए। अच्छा, बाय द वे, जो हम रिटर्न फॉल्स लगाते हैं ना, वो भी इसी का शॉर्टकट है। जैसे कैपिटल एन से नंबर लिख के भी कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटा सा प्लस लगाते हैं उससे भी हो जाता है, शॉर्टकट है। तो ये असल में ये फुल फॉर्म में लिखा है मैंने, काम जब भी हम वही कर रहे थे रिटर्न फॉल्स में, लेकिन रिटर्न फॉल्स इज अ शॉर्टकट, और शॉर्टकट हर जगह पे लगाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। शॉर्टकट हर जगह पे लगाना पॉसिबल नहीं होता, ये हर जगह लग जाएगा जहाँ पे भी ये इवेंट आएगा ना। जैसे अब माउस का इवेंट है, अब उसमें आपको रोकना है डिफॉल्ट, तो क्या करेंगे आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये रिटर्न फॉल्स लिखेंगे ही कहाँ, जगह ही नहीं है। वो तो डॉट इवेंट लिस्नर में आपने को मिला है ना इवेंट,
इवेंट लिसनर में कहाँ पे रिटर्न फॉल्स लगाएंगे आप, वो तो फॉर्म में हम लगा देते थे शॉर्टकट। तो ये तरीका सब जगह काम करेगा, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो हमने पेज का रिफ्रेश रोक दिया सबसे पहले। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बनाऊँगा एक एक का वेरिएबल, ठीक है, और मैं कहूँगा कि भाई लेट क्या है, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको आईडी नहीं दी ना मैंने किसी को भी, आईडी दे देता हूँ, ठीक है, पहले को मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम, दूसरे को मैं दे देता हूँ लास्ट नेम, तीसरे को दे देता हूँ मैं जेंडर, और इसको मैं दे देता हूँ ईमेल, और पासवर्ड को मैं दे देता हूँ आईडी पासवर्ड, और इसको बोलता हूँ मैं री पासवर्ड। अच्छा, ईमेल में मुझे टाइप ईमेल भी बोलना पड़ेगा, टाइप टेक्स्ट तो नहीं होगा, टाइप ईमेल कर दिया, पासवर्ड में टाइप पासवर्ड कर दिया, रिपीट में भी पासवर्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें से रिक्वायर्ड भी हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है, लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड है मेरे पास, जेंडर सभी रिक्वायर्ड कर देते हैं, चलो जेंडर को रिक्वायर्ड नहीं करते, मैंने कहा रिक्वायर्ड। अच्छा, सिर्फ रिक्वायर्ड भी लिख दूं तो भी सही है, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू लिखा जाता है, ये शॉर्टकट है ना वीएस कोड का, ये आप कंट्रोल और अल्टर ये साथ में पकड़ते हैं ना आप, और जब आप कर्सर को नीचे, ओ, मैंने असल में गलत बटन पकड़ा था अभी, इसमें कंट्रोल अल्टर दूसरा है, जब नीचे कर प्रेस करता हूँ ना देखो मल्टीपल हो जाता है ये। अच्छा, ये ALT का बटन पकड़ के भी मैं यहाँ क्लिक करता जाऊँगा ना जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ पर कर्सर आता चला जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल जगहों पे कर्सर अपना क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है, अब मैं कुछ भी लिखूँगा ना ये सब जगह लिखाएगा, सही है, ये शॉर्टकट्स हैं वीएस कोड के, कोई ऐसी वो बात नहीं है, ठीक है। तो मैं अक्सर ये यूज़ करता हूँ शॉर्टकट्स। जेंडर के लिए रेडियो बटन चाहिए होगा, एग्जैक्टली यू आर राइट। अच्छा, वैसे लिख भी सकता है बंदा मेल फीमेल, या ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं, चलो ड्रॉप डाउन लगा देते हैं इसके लिए हम, ड्रॉप डाउन क्या बोलते हैं हम, सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जेंडर इसका नेम लगा देते हैं, आईडी भी इसकी जेंडर लगा देते हैं, और इसको हम रिक्वायर्ड तो हमने नहीं रखना। अच्छा, अब सेलेक्ट के अंदर क्या होता है, आइटम ऑप्शंस, यस करेक्ट, ठीक है। अच्छा, पहले का मेल और इसकी वैल्यू भी मेल, ठीक है, दूसरा फीमेल, तीसरा फीमेल, और चौथा, तीसरा कौन सा होगा, अदर, बाय द वे आप लोगों को पता है दुनिया में इस वक्त कितने जेंडर्स मौजूद हैं, हाँ ये डिस्कवर होते रहते हैं भाई, चेंज भी होते रहते हैं, हाँ मेडिकली भी वो चेंज कर लेते हैं, ऑपरेशंस वगैरह के जरिए, सर्जरी के जरिए भी चेंज कर लेते हैं जेंडर, लेकिन वैसे ही कितने जेंडर हैं, हैं वैसे 10-12, लेकिन मुझे 4-5 ही पता है, सही है, नहीं बहुत सारे हैं जेंडर भाई, वो अभी मुनासिब नहीं है, हम सैलानी में बैठे मैम नाम लेना उनका, लेकिन खैर नए डिस्कवर होते रहते हैं, जो बात है आज से 200-300 साल पहले 3-4 ही थे, अब वो 12 तक पहुंच गई कहानी, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ओन करती है, उसका नाम है LGBT, LGBT फुल फॉर्म छोड़ दो, तो कहने का मकसद ये, अच्छा देखो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ना हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि ये दुनिया में डायनेमिक्स क्या चल रही है, तो एक तो ये ऑप्शन है कि मेल फीमेल और अदर करके मैं जान छुड़ा लूँ, ठीक है, लेकिन अदर में क्या होना चाहिए, असूलन इसमें टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए,
क्योंकि हम तो मिसाल के तौर पे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, OLX है, ठीक है, या फेसबुक है। अब फेसबुक के अंदर मेरी आइडेंटिटी है ना, वो मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं फला जेंडर नहीं हूँ मिसाल के तौर पे, तो मुझे अगर ये लिबर्टी मिलेगी ना कि मैं वो लिख सकूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ अगर मैं, तो फिर अच्छा फील होता है यूज़र को, ठीक है। तो खैर, बाय द वे, जब ये बात बता दी तो इस्लाम भी बता दूँ आपको मैं। इस्लाम में जेंडर सिर्फ दो ही है, ठीक है। इस्लाम में जो ट्रांसजेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वैसे तो ज़ाहिर है आप अपने अपने उलमा से इस बारे में मशवरा करेंगे कोई भी हतमी वो लेने से पहले, लेकिन मेरी जो नॉलेज है वो यही है। मैंने बकायदा बल्कि पूछा भी था एक दफ़ा ये, तो खुद वो नहीं मानता इस्लाम उसको। जो फिज़िकल अपेयरेंस, ये मुझे एक मौलाना से पूछा था मैंने, जिसकी फिज़िकल अपेयरेंस मर्दों से मिलती है ना, दूर से देख के लगेगा मर्द आ रहा है, तो उस पर अहकाम शरीयत के मर्दों वाले हैं सारे। और जिसको देख के लगेगा दूर से कि औरत आ रहा है, मुशाबियत औरतों में जिसकी ज़्यादा है तो वो औरत, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे ज़्यादा मुशाबियत है, तो वो किसी मुफ्ती से पूछ ले जाके कि मेरी किससे ज़्यादा मुशाबियत है, ठीक है। तो ये हम मुसलमान हैं तो हमें ये शरई मसले पता होने चाहिए, यानी हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल में जो मामला चल रहे हैं, और ये ऐसा दौर है, हम बहुत फितने के दौर में जी रहे हैं। तो इस्लाम में दो ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दो ही लिखूंगा, मेल फीमेल और अदर, बस। अदर किसी का है तो वो मैं उसको एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दूंगा एज अ मुस्लिम, कि यार क्या है, होगा कुछ अपने लिए होगा। अच्छा, उसके बाद आ गई भाई साहब ईमेल, उसके बाद आ गया पासवर्ड, उसके बाद आ गया रिपीट पासवर्ड। सादा टेक्स्ट शो करते हैं, मतलब से सर जो पासवर्ड का टेक्स्ट है वो जावास्क्रिप्ट से ही फ्रंट एंड में शो कर देते हैं, हाँ तो वो सेफ है? सेफ तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का बंदा बताएगा आपको कि सेफ है या नहीं है। आप यही कह रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर वेबसाइट में यही हुआ होता है। अच्छा, कुछ वेबसाइट जो होती है ना, जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब आपका पासवर्ड आप टाइप करते हैं ना, और टाइप करके अगर आप उसको टाइप पासवर्ड हटा दें अंदर से आगे, तो वो दिखता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। वो टेक्निक्स लगाते हैं लोग, लेकिन आमतौर पर उसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे अब फेसबुक है, अब फेसबुक में जब मैं जाता हूँ और पासवर्ड में टाइप हाथ से टाइप किया मैंने अभी भी, उसको कॉपी करूँगा तो वही पासवर्ड कॉपी होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक राउटर है, वो चाइनीज़ कंपनी है, कोई हवावे का राउटर है। अब उसमें क्या होता है कि मैं वाईफाई के पासवर्ड में जो जाता हूँ, पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, शो करूँगा शो करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कॉपी करूँगा कॉपी कुछ और होता है, वो लंबा सा एक स्ट्रिंग कॉपी हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल पासवर्ड कॉपी नहीं होता। मेरे पास ये तो ऑप्शन है, मैं चेंज कर दूँ, लेकिन पहले से क्या पासवर्ड था वो देखने का कोई तरीका नहीं है हवावे के राउटर में जो मेरे पास है। इरिटेटिंग ही है वो, जब ही तो मुझे याद है भाई, मैंने एक वाईफाई का पासवर्ड अपना रखा था, मैं बंदा भूल जाता है ना यार। अब कोई गेस्ट आया है, उसको बताना है पासवर्ड, मैं उसको क्या बताऊँ? अब मैं चाह रहा हूँ मैं जाके देख लूँ, अब मैं उसको अगर चेंज करूँगा ना तो मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंस है। क्यों? मेरा गूगल असिस्टेंट उससे कनेक्टेड है। अब गूगल असिस्टेंट की अगर गूगल असिस्टेंट बोलेगा भाई ये तो मेरे को मिल रहा ही नहीं है, ये जो वाईफाई था अब मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे दो फ़ोन जितने हैं घर में सब उससे कनेक्टेड हैं, जितने कंप्यूटर हैं सब उससे कनेक्टेड हैं, अब मैं पासवर्ड चेंज करूँगा मेरे लिए इनकन्वीनियंस है। तो फिर मैंने ये किया, मैंने नई SSID बना दी है गेस्ट के लिए। तो जब भी कोई आते हैं गेस्ट, 1-2 महीने 3 महीने के गैप से ही आते हैं, ज़ाहिर है ईद वीद में, रमज़ानों में, कभी अफ्तार पार्टी में, तो मैं वो गेस्ट वाला डिलीट करके ना दोबारा बनाता हूँ। मेरे कोई कंप्यूटर उस वाले से SSID से कनेक्ट नहीं है। तो उन्होंने ये भी एक फीचर रखा हुआ है कि SSID आप एक ही राउटर की 10-12 बना दो, कोई इशू नहीं है। यानी आपको राउटर एक ही होगा, लेकिन जब वाईफाई खोलोगे तो एक गेस्ट दिख रहा होगा, एक मेरा दिख रहा होगा जो मैंने नाम रखा है, 2-3 और जितने ऐड करना चाहो कर दो। तो ये उन्होंने एक फीचर भी रखा हुआ है साथ में। तो अच्छा, तो मैंने क्वेरी सेलेक्टर से जो फर्स्ट नेम था ना उसको यहाँ पे उठा लिया। अच्छा, बाकी सबको भी उठा लेता हूँ, कैसे उठाऊंगा भाई? ये जो आईडी है ना जितनी भी,
सही है। ये मैंने आईडी सारी लिख दी यहाँ पे ला के। हाँ हाँ हैश भी तो लगेगा, सही कहा। जादू वाली फीलिंग आ रही है। ये वीएस कोड के शॉर्टकट्स हैं, जस्ट जस्ट दैट। किसी भी चीज़ को आप पकड़ेंगे ना, ये देखें मिसाल के तौर पर मैंने ये कैसे किया, मैंने आईडी पर डबल क्लिक किया और कंट्रोल डी दबाया। कंट्रोल डी से ये जितने भी आइटम है ना सबको सेलेक्ट कर लेता है, कंट्रोल डी, ठीक है। वो ऊपर विर्थ भी कलेक्ट कर ली इसमें। तो देखो मैंने कंट्रोल डी किया ना, अब मैं जब आगे करूँगा, आगे देखो ये आ गया, जितनी भी आईडी थी सबके शुरू में। अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा ये सबको सेलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल सी करूँगा ये कॉपी कर लेगा। कंट्रोल डी से सेलेक्ट भी होगा और फिर कंट्रोल डी से वो, मतलब यही दो तीन शॉर्टकट हैं जो जिससे ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी आके उसको पेस्ट करूँगा ना, तो ये पेस्ट कैसे होगा, ये पेस्ट ऐसे होगा, सही है, जिस तरह कॉपी हुआ है ना लाइन से, उसी तरह लाइन से पेस्ट होगा। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है इसको, तो मैंने ये पकड़ा, मुझे ये सारे नाम हटाने, मैंने कंट्रोल डी किया, मैंने बैक स्पेस दबाया और मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अभी तो सही, खैर मसला नहीं होगा क्योंकि अभी वो लाइनें एग्जैक्ट होनी चाहिए उतनी, यानी जितने आइटम कॉपी हुए ना उतनी लाइन होगी, तो फिर वो हर लाइन में एक को करता है, वरना वो मल्टीपल पेस्ट कर देता है। खैर तो ये आदत डालोगे तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है सीन। अब मैंने क्या करना है, डू साइन अप के सबसे पहला काम मैंने ये करना है, इसको पूरे को जेसन में कन्वर्ट, जेसन बना के उसको स्ट्रिंगिफाई करके उसको लोकल स्टोरेज में रखवाना है। तो कैसे होगा वो काम, मैंने कहा भाई न्यू यूज़र, लेट भी लगा देते हैं, न्यू यूज़र इक्वल टू फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। अच्छा ES6 में ये फर्स्ट नेम दो बार लिखने की, अगर दोनों सेम है ना तो एक लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा इसमें भी आगे, इसमें भी आगे मैं सारा कॉपी करूँगा और सारा कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा दूँगा सबके लास्ट में, ठीक है। ये मेरा न्यू यूज़र का ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है। हम ऑब्जेक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ES6 में अगर की और वैल्यू का एक ही नाम हो तो दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लिख देंगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ अगला काम, मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, मैंने कहा लेट, कौन सी वैल्यू, ये ES6 है ना, इसमें इसी तरह होता है। देखो अगर मैं ES5 में लिखता ना, अगर ऐसे करके लिखता मैं, यही लिखता ना कि फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, लेकिन ES6 में आपके पास ये लिबर्टी है कि अगर ये दोनों सेम है ना, की और वैल्यू दोनों सेम है अगर, तो आपको एक चीज़ लिख दें आप तो भी हो जाएगा काम। ऑप्शनली आप, यस हाँ वो कर देता हूँ, डॉट वैल्यू, राइट, डॉट वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, ईमेल की भी जेंडर की भी सबकी डॉट वैल्यू सेलेक्ट कर ली, सही है। मैंने ये जेंडर में सही ना वैल्यू सही लिखा है, हाँ सही वैल्यू, जो भी सेलेक्टेड होगा वो मिल जाएगा वैल्यू में। अच्छा तो यहाँ पे वो सब आके क्रिएट हो गया। अच्छा अब मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंगिफाइड, स्ट्रिंगिफाइड की स्पेलिंग कुछ मैंने गलत लिखी है, खैर स्ट्रिंगिफाइड स्पेलिंग गलत लिखी थी मैंने, ठीक है। स्ट्रिंगिफाइड इक्वल्स टू क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, ठीक है। न्यू यूज़र, ठीक है, मैंने न्यू यूज़र को क्या कर दिया, स्ट्रिंगिफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और स्ट्रिंगिफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करूँगा मैं, इसको लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में क्या कर दूँगा, मैं बोलूँगा यूज़र्स, ठीक है, कॉमा, और स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म जो भी थी मेरी यूज़र की वो मैंने हटवा दिया। अच्छा ये मेरा एक यूज़र साइन अप हुआ है, ठीक है, मेरा ये एक यूज़र क्या हो गया, साइन अप हो गया, क्या आ रहा है, कट कर दो उसको,
ये मेरा एक यूज़र साइन अप हो गया, लेकिन मुझे ये कैपेबिलिटी चाहिए कि मैं एक वक्त में 3-4 यूज़र भी साइन अप करवा लूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यूज़र्स जो है उसको एरे बनाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल एक एरे बना लेता हूँ यूज़र्स का, एक एम्प्टी एरे बना दिया मैंने यूज़र्स का, ठीक है एम्प्टी एरे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर है अगर जो पहले से यूज़र साइन अप है उसको उठा के इसमें लाना भी तो पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फंक्शन, ठीक है फंक्शन का क्या नेम रखूँ मैं, गेट ऑल यूज़र फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है एक लंबा नाम रख दिया। अच्छा फंक्शन मैं ES6 वाला बनाऊँगा फिलहाल, ठीक है ये ES6 वाला मैंने फंक्शन बना दिया। अच्छा फिर मुझे नाम रखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सेल्फ कॉलिंग करूँगा ना इस फंक्शन को। ये फंक्शन मैंने क्या कर दिया, सेल्फ कॉलिंग। ये कैसे किया और करो ज़रा, देखो बता रहा हूँ कैसे किया। ये एक फंक्शन है ES6 के अंदर, ये एक फंक्शन है ना, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ तो नहीं है कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ एक मिनट, लेट ए इक्वल टू ये है, सही है। अब ये फंक्शन कैसे कॉल होगा, ए के नाम से कॉल होगा, ठीक है लेकिन मैं इसको हटा दूँ अगर तो भी ये है तो फंक्शन ना। इसमें पैरामीटर अगर होते तो कैसे होते, ए कॉमा बी, ये पैरामीटर्स होते हैं इसके, ठीक है अभी फिलहाल पैरामीटर कोई नहीं है इसका। तो ये क्या है, ES6 का फंक्शन है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को ब्रैकेट में पैक करता हूँ, ठीक है ये पूरे फंक्शन को मैंने ब्रैकेट में पैक किया और उसके आगे कॉल सिग्नेचर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ कॉलिंग फंक्शन हो गया। ये एक एनोनिमस फंक्शन, जैसा कि मैंने जब फंक्शन पढ़ाते हुए आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में एनोनिमस फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये उसका एक यूज़ है, ठीक है। अगर मैं इसको ES5 का फंक्शन बना दूँ तो ये कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा फंक्शन, ये ES5 का बन गया, ये भी सेल्फ कॉलिंग है, चलेगा बनते ही चल जाएगा, क्या होगा ये बनते ही फंक्शन ये कॉल हो जाएगा खुद ही। लेकिन हाँ ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है। देखो अगर मैं ये ब्रैकेट ना लगाऊँ ना, मैं सिर्फ आगे ऐसे ही इसको गोल ब्रैकेट लगा दूँ अगर कॉल सिग्नेचर, तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है इसको पता नहीं चलेगा। ये सेल्फ कॉलिंग फंक्शन इसी तरह बनाते हैं, देखो सेल्फ कॉलिंग फंक्शन जावास्क्रिप्ट, ये W3 स्कूल है ना, देखो अरे ये तो सेल्फ कॉलिंग बता ही नहीं रहा, क्या लिख दो, ये रहा सेल्फ कॉलिंग। देखो इसी तरह है ना, ये फंक्शन है इतना जो सेलेक्टेड है वो क्या है, फंक्शन है, बाकी उसके बाहर दो ब्रैकेट लगी हुई और आगे कॉल सिग्नेचर लगा हुआ है। तो ये सेल्फ कॉलिंग फंक्शन हमने आज देख लिया जो हम फंक्शन के टाइम पे नहीं देख पाए थे। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे लोकल स्टोरेज से डॉट गेट आइटम करना है, सही है। अच्छा लोकल स्टोरेज मुझे एक वक्त में क्या देता है, या तो स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा, ठीक है जो लोकल स्टोरेज में जो भी मौजूद है यूज़र्स के अगेंस्ट जो भी वैल्यू मौजूद हो वो दे देगा, या तो नल दे देगा, ठीक है या तो नल दे देगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूज़र्स के अंदर क्या रखवा दो, लोकल स्टोरेज से जो भी चीज़ आई है ना वो रखवा दो और एम्प्टी एरे रखवा दो। अगर ये और कब चलेगा, जब नल आएगा, अगर इस जगह पे नल आ गया तो फिर ये वैल्यू नहीं जाएगी, और लगा के मैंने आगे एम्प्टी इसको एरे दे दिया कि अगर लोकल स्टोरेज में नल हो कुछ भी नहीं हो तो क्या दे दो इस वेरिएबल को, यूज़र्स को एम्प्टी एरे दे दो, ठीक है। या इफ़ भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है इफ़ कैसे लगाएंगे, मैंने कहा कि भाई आइटम इक्वल्स टू दिस, जो भी आइटम मिला गेट आइटम करके जो भी मुझे आइटम मिला वो मैंने आइटम में रखवा दिया, और फिर मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा इफ़ आइटम, सही है इफ़ आइटम का मतलब क्या है कि नल के अलावा कुछ होगा आइटम में जब ही इफ़ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मैंने कहा कि इफ़ आइटम अगर है तो क्या करो, यूज़र्स के अंदर क्या डाल दो, आइटम डाल दो, ठीक है अदरवाइज एम्प्टी एरे तो वो पहले से ही है, ये भी सही तरीका है, और लगा के भी कर सकते हैं, दोनों सही तरीका है, ठीक है। अच्छा इस आइटम को मुझे वो भी तो करना है पार्स, क्योंकि अभी तो स्ट्रिंग फॉर्म में ना, जेसन डॉट पार्स, ठीक है पार्स भी मुझे इसको करना पड़ेगा। अच्छा इफ़ की, इफ़ एल्स के अंदर अगर सिर्फ एक लाइन का कोड हो तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है अगर सिर्फ इफ़ के नीचे एक लाइन का कोड है तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। इवन मैं इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ये क्या है, ये इफ़ है,
ठीक है, ये इफ है, कंडीशन यहाँ तक है, बाकी ये आगे की जो लाइन है इसकी बॉडी कंसिडर की जाएगी, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया मतलब इफ यहाँ खत्म। ठीक है, तो एक लाइन का अगर कोड होता है इफ के अंदर तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत इफ में नहीं होती है। तो इतना फंक्शन मैंने क्या कर लिया, सेल्फ कॉलिंग बना लिया। ये इतना फंक्शन जो है क्या होगा, कोड जैसे ही मेरा स्टार्ट होगा, जैसे ही मेरा प्रोग्राम चलेगा, ये इतना कोड चल चुका होगा। इतना कोड चलने का मतलब ये है कि यूजर्स के अंदर मैंने एक यूज़र तो साइनअप करवा दिया मिसाल के तौर पर, तो वो यूज़र इसमें आ चुका होगा। तो इमेजिन कर लो कि 5 यूज़र पहले से साइनअप हैं, तो इस एरे के अंदर क्या आ चुके हैं, 5 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। सही है, 5 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, यहाँ से ला के रख दिए। तो अब मुझे साइनअप करवाते हुए सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो मुझे चेक करना होगा ना कि पहले से तो मौजूद नहीं है कहीं वो ईमेल, पहले से कहीं वो ईमेल इसमें मौजूद तो नहीं है, ये तो चेक करना होगा ना मुझे। तो मैं कैसे चेक करूँगा, अब मुझे पता है कि यूज़र्स के अंदर या तो एम्प्टी एरे होगा या तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, 3-4 जितने भी यूज़र हैं। तो इसका मतलब है मैं यूज़र्स पे लूप चला सकता हूँ, लूप चला सकता हूँ ना यूज़र्स पे मैं। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा यूज़र्स डॉट मैप से भी चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे तमाम यूज़र पे जाके चेक करना है, ये नहीं कि बीच में कोई है, मुझे आखिर तक चेक करना है कि वो ईमेल कहीं है तो नहीं इस एरे में, आखिर तक मुझे चेक करना है। तो मैंने कहा भाई ईच यूज़र, नहीं आखिर तक क्यों चेक करना है, अगर मुझे पहली दफ़ा में मिल गया तो मैप नहीं चलेगा इस पर, सही है, फॉर लूप चलेगा, क्योंकि मैप हम वहाँ चलाते हैं जहाँ पे आखिर तक हमें हर हाल में जाना है, इसमें थोड़ी जाना है। इसमें अगर बीच में पहले मिल गया, एरे में ऑब्जेक्ट नहीं डाला, हाँ ये सही कहा तुमने, ये हमने अभी जो हमने साइनअप करवाया है वो हमने एरे के हिसाब से नहीं करवाया, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये स्ट्रिंगिफाइड जो है ना हमारा, स्ट्रिंगिफाइड जो है इसको पुश करना होगा यूजर्स में, यूजर्स डॉट पुश, सही है, स्ट्रिंगिफाइड नहीं सॉरी स्ट्रिंगिफाइड है, मुझे यूजर्स डॉट पुश करना होगा न्यू यूजर, न्यू यूजर, ठीक है, और फिर इस पूरे यूजर को स्ट्रिंगिफाई करके और यहां रखना होगा। अब ये सेट हो गया कोड, ये समझ आया सबको क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास यूजर्स में पहले से साइन अप हुए हुए यूजर मौजूद हैं, तो अब मुझे नया यूजर ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, मैं उसी यूजर में अपना नया यूजर पुश कराऊंगा और उस पूरे एरे को स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ रखवा दूंगा। अच्छा, इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, इस पूरे को मैं कट करूंगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ रख दूँ, तो एक ही लाइन में ये काम हो गया, डबल डबल लाइन की जरूरत मुझे नहीं है। सही है, इस वाले केस में किसी का कोई सवाल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स मेरे पास एक एम्प्टी एरे है शुरू में, जब पहला जब पहली दफ़ा जब चलेगा, एम्प्टी एरे में मैंने पुश करवाया नया यूज़र और उस पूरे एरे को मैंने सेव करवा दिया। अगली दफ़ा पेज लोड होगा, वो जो एक यूज़र था वो कहाँ आ चुका है, वो मेरे वेरिएबल में आ चुका है, यूज़र्स के अंदर एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब अगला यूज़र मैं करवा रहा हूँ तो न्यू यूज़र क्रिएट करूँगा, क्या होगा, उसी में पुश किया मैंने पहले, अब उसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए उस एरे में, पहले एक था अब दो हो गए, और उस दोनों को मैंने स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ रखवा दिया। सही है, तो मेरा एरे के हिसाब से यूज़र साइन अप हो रहे हैं एक से ज़्यादा, लेकिन मुझे अब ये भी चेक करना है कि भाई अगर उसमें पहले से ही उस ईमेल का बंदा मौजूद है ना तो रोक दो, ख़त्म कर दो यहीं पर, आगे जाने नहीं दो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि लेट आई equals to zero, i जब तक छोटा रहे किससे, यूजर्स की लेंथ से, ठीक है, और i plus plus। तो ये मैंने लूप कितनी दफ़ा चलवा दिया, जितने यूज़र्स के अंदर आइटम्स हैं, जितने यूज़र मौजूद हैं यूज़र्स के वेरिएबल में, उतनी दफ़ा चलवा दिया। और मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इफ़ यूज़र, यूज़र्स का इंडेक्स i, ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स हो जाए किसके, ओ सॉरी इंडेक्स आई पे और डॉट ईमेल भी तो होगा, यूजर का इंडेक्स आई का ईमेल जो है अगर वो किस ईमेल से मैच हो जाए, अगर इस ईमेल से मैच हो जाए तो आप क्या बोल दो, कॉन्सोल डॉट लॉग प्रिंट करवा दो, दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, EXIST, ठीक है। अभी कॉन्सोल पे करते हैं फिलहाल इसको, अभी बाद में हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है ना, अलर्ट नहीं करते हैं हम आमतौर पर, अलर्ट करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जी। क्या फाइंड इंडेक्स भी लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं चेक करना है ना, हमें और भी एक दो चीज़ें चेक करनी है, तो लूप ज़्यादा सही है। अच्छा, और हमें क्या चेक करना है इसमें साइन अप करने से पहले,
हाँ पासवर्ड दोनों सेम है, हाँ ये भी, लेकिन ये लूप में नहीं होगा, लूप में कुछ और चेक करना है क्या हमें? क्या ये फाइंड इंडेक्स से हो सकता है काम? ये मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। हाँ नहीं, इंडेक्स ऑफ से कैसे होगा ये काम? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की है, दो फोल्ड है। हाँ नहीं, लूप चला के ही होगा ये, फाइंड इंडेक्स से नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। अच्छा तो ये हमने एक लगा दिया। अच्छा अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाए ईमेल, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे रिटर्न कॉल कर देना है। रिटर्न क्या चीज़ होती है? रिटर्न जो है फंक्शन के अंदर लगता है, ये फंक्शन है ना, ये रिटर्न कॉल करने से ये फंक्शन जो यहाँ से चला था डू साइन अप का, ये यहाँ से इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा अगर ये रिटर्न कॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे का कोड जितना भी है मेरा ही नीचे, ये कोई भी नहीं चलेगा आगे का, यहीं रुक जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अगला काम मुझे क्या करना है? मैंने कहा इफ पासवर्ड इक्वल्स 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 हो किसके, रिपीट पासवर्ड, सही है? हाँ नॉट इक्वल टू होगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, सही है, नॉट इक्वल टू होगा। अगर नॉट इक्वल टू है तो मैं क्या कंसोल पे प्रिंट करवाऊंगा? पासवर्ड डजंट मैच, ठीक है, और ये कंसोल कराने के बाद इसको भी रिटर्न करवा दूंगा यहीं से, मैं आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा ये दो चीज़ें चेक लगा ली हैं, और भी कुछ चेक हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे ईमेल की लेंथ कहीं 200 कैरेक्टर से ज़्यादा की तो नहीं हो गई है? ईमेल की लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये सारे चेक भी मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको HTML के फॉर्म पे भी लगा सकता हूँ, सही है? जैसे पासवर्ड मिनिमम कितना होना चाहिए मेरे पास? 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, सही है? पासवर्ड क्या होना चाहिए? मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा, सही है? मिनिमम 6 कर दिया मैंने। जावास्क्रिप्ट में करना भी सही है और HTML में भी करना सही है, लेकिन इन दोनों में करने के बावजूद जब सर्वर पे ये डेटा पहुंचता है ना, अभी तो सर्वर पे नहीं भेज रहे हम, अच्छा इन सर्वर पे जब डेटा पहुंचता है तो हमें ये सारे चेक्स दोबारा सर्वर पे भी लगाने होते हैं, सही है? ये याद रखें हमेशा, मैं यहाँ पर जितनी भी वैलिडेशन लगा दूँ सर्वर पर मुझे ये सारे काम दोबारा करना है। और एक्चुअली ये काम सर्वर पे ही हो रहा होता है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटाबेस में, यानी ये तो हम अभी फिलहाल सर्वर इन्वॉल्व नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए हम ये फ्रंट एंड पे कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे जो वैलिडेशन है वो ज़्यादातर हम फॉर्म पे लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट में बहुत कम होती हैं जो हम लगाते हैं, ठीक है, फॉर्म के जरिए, HTML5 के फॉर्म के जरिए। रिएक्ट में भी फॉर्म का हुक होता है, ठीक है, उसमें हुक के अंदर ही हम बता देते हैं कि ये क्राइटेरिया इस तरह का होगा तो फॉर्म सबमिट होगा वरना नहीं होगा। तो बाकी सर्वर पे जब पहुंचता है तो हम ये चेक करते हैं कि किस चीज़ की लिमिट कितनी है, कितनी नहीं है, क्या है। ख़ास तौर पे जितने भी हमें पैसेजेस वगैरह मिलते हैं सर्वर पे, उसकी लेंथ लाजमी चेक की जाती है, क्योंकि अगर आपने फेसबुक की पोस्ट बताई है और उसके अंदर किसी ने मिलियन कैरेक्टर पेस्ट करके और पोस्ट का बटन दबा दिया तो आपके पास पीछे बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसे हो सकती हैं जो उसको हैंडल ना कर पाए, क्रैश हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपको हमेशा लेंथ लाजमी चेक करनी होती है कि लेंथ क्या आ गया इस वक्त, ठीक है। कोई फाइल अगर आती है प्रोफाइल फ़ोटो, उसमें साइज़ का चेक लाजमी लगा होता है कि मिनिमम मैक्सिमम 5 MB से ज़्यादा की ना हो ये फ़ोटो, कम की हो ज़्यादा की ना हो, क्योंकि अगर किसी ने 10-12 GB की स्ट्रीम खोल दी या अनलिमिटेड स्ट्रीम खोल दी तो फेसबुक का सर्वर क्या बना हुआ होगा? उसका गूगल ड्राइव बना हुआ होगा, यही होगा ना। मैं अगर चाहूँ तो किसी के सर्वर पे जो प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड होती है तो वो स्ट्रीम बनती है ना, मुझे दिख रही होती है स्ट्रीम, तो वो स्ट्रीम अगर मैं पकड़ लूँ और उस स्ट्रीम पे मैं जिप फाइल भिजवा दूँ JPG की जगह, और जिप फाइल की स्ट्रीम मैं क्लोज ना करूँ, खोल के रखूँ, तो उस जिप में जो जो चीज़ें चाहूँ सेव करा सकता हूँ, वापस मंगवा भी सकता हूँ, तो उसका फेसबुक का सर्वर मेरा क्या बन जाएगा? गूगल ड्राइव। तो इसलिए मैक्सिमम की लिमिट हम हमेशा लगाते हैं कि मैक्सिमम क्या लिमिट है। तो अगर वो स्ट्रीम पकड़ भी लेगा कोई बंदा तो 5 MB से ज़्यादा जब वो भेजने की कोशिश करेगा वो नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा वहाँ पर। वेल अभी तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर देखेंगे ये चीज़ें। तो ये मैंने कुछ एक दो चेक्स लगा लिए, और चेक्स लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक नया यूज़र बनाया और उसको मैंने पुश करवा के लोकल स्टोरेज में सेव करवा दिया। अब इतना ज़रा चला के देख लिया जाए क्या, चला के देख लिया जाए। पहले तो लोकल स्टोरेज में पहले से जो कुछ है उसको मैं क्या करवा दूँ, क्लियर,
लोकल स्टोरेज में पहले से जो कुछ था उसको मैंने क्लियर, ये कैसे मैंने एक्सेस किया, एप्लीकेशन में जाके और यहाँ लोकल स्टोरेज में जाके मैंने इसको एक्सेस किया। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा पेज, मैंने कहा नाम मलिक मलिक, और यार ये क्या हुआ, ब्रेक नहीं लगा इस पर, बी आर नहीं लगा इस पर ना, कौन सा था ये वाला था, अलग है बात है, बी आर जेंडर के नीचे बी आर नहीं लगा हुआ, आप सही हो गया। ठीक है, मेल सेलेक्टेड है पहले से, अच्छा साइन अप का बटन जैसे ही मैं दबाता हूँ तो एरर आ गया। अच्छा एरर देख लेते हैं क्या आया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट लिखा है मैंने, सेट आइटम होता है सर, सेट आइटम में यूजर लिखा है ना, यूजर तो वो नहीं, मैंने सेट लिखा है सर, सेट आइटम नहीं लिखा, ये क्या हुआ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट नहीं होता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम होता है। ये पड़ोस से वो स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे ना, वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, मैंने सिर्फ सेट लिख दिया था, ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको सेट आइटम वापस पूरा सेट आइटम लिखा है अभी आके, और अब मैं इसको रिफ्रेश करके क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या सीन है। साइन अप सही है, कोई एरर नहीं है, मतलब साइन अप हो गया। हाँ यार ये क्या सीन है, मिनिमम तो उसने काम ही नहीं किया। सर टाइप पासवर्ड लगी है, एचटीएमएल में टाइप पासवर्ड जब तक लगती है मिनिमम या मैक्सिमम काम नहीं करता, काम नहीं करता उस पर। चलो सही है, वो फिर हम जावास्क्रिप्ट में भी चेक कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा तो ये मेरा यूज़र जो मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं इसी ईमेल से दूसरा यूज़र क्रिएट करना चाहूँ तो मुझे क्या देना चाहिए इसको, इसको मुझे एरर देना चाहिए। कॉन्सोल पे आता हूँ मैं, दोबारा साइनअप दबाता हूँ, ये दोबारा एरर दे रहा है मुझे। अच्छा एक चीज़ और नोट करो, जब पहले हम फॉर्म सबमिट करते थे तो फॉर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, क्लियर हो जाता था, यही होता था ना, खाली हो जाता था। अभी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने। तो जितनी भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें कनेक्टेड थी, रिफ्रेश होना, फॉर्म का ऑटोमेटिक क्लियर होना, वो कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे मैन्युअली करवाना पड़ेगा हाथ से। ठीक है, कैसे करवाऊंगा मैं, वो इवेंट पे डॉट लगा के, ये लोकल स्टोरेज डॉट सेव आइटम होने के बाद क्या करूंगा मैं, मैंने कहा इवेंट डॉट रीसेट, क्या था पता है किसी को क्या होता है रीसेट, खैर देख लेते हैं ना। फॉर्म इवेंट रीसेट लिखा है मैंने, इवेंट डॉट रीसेट लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ जी इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट है ना, ये सही है, इवेंट डॉट रीसेट नहीं है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट है। पहले को पायलट था तो वो खुद ही लिख देता था, हम थोड़ा सा लिखते थे वो खुद ही पूरा कर देता था। अब हमें क्या करना पड़ता है, स्टैक ओवरफ्लो में थोड़ा एक नज़र मार, क्योंकि ये चीज़ें जाहिर है बंदा थोड़ा टाइम होता है, टाइम हो जाता है तो बंदा भूल जाता है। हाँ भाई किसी का कोई सवाल था यहाँ पे, हाँ सॉरी कौन सा, वो खुद ही इसलिए दे रहा है, देखो जो ब्राउज़र होता है ना उस डिफ़ॉल्ट, जब हम कोई सेटिंग अप्लाई नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट अपना विश, यार ये पड़ोस से बैठ के अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट एज में डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट पासवर्ड का वही है, इनपुट पासवर्ड का, तो वही दिखा रहा है। अच्छा वेल तो हमने ये दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा इसका ना यूज़र को हम मैसेज दिखाने के लिए क्या बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं वो क्या दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ एक, कि भाई ये क्या है, एरर एरर दे देता हूँ सिर्फ मैं इसको, और इस पर कलर क्या लगा देता हूँ मैं, कलर यार स्क्रीन में एरर नहीं आ रहा है,
स्क्रीन में एरर नहीं आ रहा। ये पड़ोस में जो हमारे हजरात बैठे हैं ना, वो प्रीवेंट डिफॉल्ट आपका सही से लगा नहीं है। यार माइक्रोसॉफ्ट एज पहली बार यूज़ मत करो, गूगल क्रोम यूज़ करो, सही है। क्यों? वो तो आप लिंक कॉपी करके आप उस पर ले जाओ ना, गूगल क्रोम पर लिंक ऊपर से कॉपी करो यूआरएल और गूगल क्रोम पे ओपन कर लो उसको, ठीक है। पहले साइनअप और लॉगिन का फीचर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर वो शो पासवर्ड का भी कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। पहले तो यही नहीं हो रहा ना अभी तो फिलहाल। अच्छा तो मैं ईमेल चेंज कर देता हूँ, मैं ईमेल बोलता हूँ अब क्या है, malik@gmail। साइनअप दबाया मैंने तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या आ चुका होगा, दूसरा यूज़र भी आ चुका होगा। पासवर्ड सेम है लेकिन ईमेल मेरा चेंज है। एक ही पासवर्ड कई अकाउंट में रख सकते हैं ना, सही है। पासवर्ड वही मेरा 1234 है लेकिन ईमेल इस दफ़ा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा तो अभी मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया था, वो हुआ कि नहीं? अच्छा रीसेट किया था मैंने। अच्छा रीसेट करने के अलावा मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे वो भी तो बताना है ना बंदे को। हाँ मैं ये बना रहा था कि एक एरर का पैराग्राफ और एक रिज़ल्ट का पैराग्राफ, ठीक है। रिज़ल्ट वाले पैराग्राफ को कोई कलर नहीं है, ये ब्लैक में ही रहेगा, इसका कोई कलर नहीं है। तो जब मुझे रिज़ल्ट शो कराना होगा तो मैं इसमें कराऊँगा, जब एरर शो कराना होगा तो इसमें कराऊँगा, तो ऑटोमेटिक एरर रेड होके आएगा। अच्छा तो मुझे सबसे पहला एरर क्या शो कराना है, ये वाला। तो मैं क्या बोलूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एरर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस, सही है। आईडी एरर, आईडी रिजल्ट। अच्छा यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, ये वाला मैसेज इधर कर देना, ठीक है, ताकि जो है आपका जो भी एरर का मैसेज है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो। और लास्ट में आके मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने यही चीज़ करनी है, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट पे करनी है मैंने, ये हैश साइन अप सक्सेसफुल, और उसके बाद फॉर्म को मैंने रीसेट करवा दिया, ठीक है। फॉर्म को मैंने क्या करवा दिया, रीसेट करवा दिया। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ थोड़ी देर बाद ये मैसेज गायब हो जाए इसमें से, रिजल्ट में से, तो मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट लगा दूंगा मैं। और सेट टाइम आउट लगा के मैंने कहा कि 5 सेकंड बाद क्या कर देना, इसको खाली कर देना, सही है। मैंने कहा इसको क्या कर देना, आप एम्प्टी कर देना, तो साइन अप सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा और चला जाएगा 5 सेकंड बाद खुद ही, ठीक है। ये हो गया, अब इतना काम मैंने कर लिया। अब साइन अप के पेज पे क्या कोई और काम रहता है, ईमेल में अब कोई तीसरी ईमेल चाहिए मुझे, चलो पहले तो इसी को लगा के देखते हैं, एरर का मैसेज चेक हो जाएगा, ठीक है। एरर का मैसेज आ गया स्क्रीन पे, प्रिंट हो गया कि भाई दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ ABC1 और अब साइन अप करता हूँ, तो साइन अप सक्सेसफुल हो गया। अच्छा ये गायब नहीं हो रहा, ये गायब भी करवाना पड़ेगा मुझे, सही है। चलो खैर है, कोई नहीं, गायब हो गया। ऊपर वाले को भी इसी तरीके से गायब हम करवा सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ इसी पे लगा देते हैं ना, इसी पे लगा देते हैं हम कि इसको भी खाली कर दो, उसको भी कर दो खाली, एरर वाले को, सही है। दोनों को खाली कर दो नो मैटर व्हाट, सही है। क्लियर भी हो गया हमारा फॉर्म सबमिट करने पे, वो भी मसला हल हो गया हमारा। तो मैंने 5 सेकंड में दोनों को क्लियर करवा दिया, मैंने कहा एरर हो या मैसेज हो, 5 सेकंड तक ही दिखे वो, उसके बाद गायब हो जाए। अच्छा अब मुझे चाहिए एक अदद लॉगिन का पेज, लॉगिन का पेज मुझे चाहिए, बोलो। नहीं साइन अप होने पे तो लॉगिन पे डायरेक्ट नहीं जाता, जाता है ये
नहीं जाता लॉगिन पे, डायरेक्ट नहीं जाता है, साइन अप सक्सेसफुल बोल के वहीं खड़ा रहता है वो, लॉगिन के नीचे बटन आ रहा होता है, वो लगाएंगे हम अभी, वो लगा देते हैं हम यहाँ फॉर्म के नीचे और ये रिजल्ट के नीचे ना, फॉर्म के नीचे एक एंकर टैग लगा देता हूँ मैं और मैं बोलता हूँ कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सही है, लॉगिन, इसी तरह का कुछ होता है ना, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और लॉगिन, तो साइन अप करने के बाद लॉगिन पे तो आम तौर पे बंदा खुद ही क्लिक कर रहा होता है, ठीक है, और लॉगिन पे मैंने कहा स्लैश लॉगिन डॉट html, इसके ऊपर चला जाए रिफ्रेश, तो लॉगिन देखो अब बिल्कुल असली हो गया, ये ऐसा ही होता है। अब ये लॉगिन पे क्लिक करते ही कहाँ चला गया बंदा, लॉगिन के पेज पे चला गया, और लॉगिन के पेज पे अभी क्या लिखा हुआ है, साइन अप वाला ही सारा कंटेंट है। लॉगिन पेज लिख दिया मैंने उसको, लॉगिन पेज के बाद मैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करूँगा, मैंने कहा डू लॉगिन, अब डू लॉगिन होगा इसके अंदर, अब इसमें क्या होगा, ये जेंडर पासवर्ड वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड होगा, राइट, ठीक है, सिर्फ एक ईमेल होगा, एक ही पासवर्ड होगा और उसके बाद सबमिट का बटन होगा, सही है, इसमें किसी को एतराज़ तो नहीं है, लॉगिन में यही होगा ना, एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा, अच्छा एक एरर का मैसेज इसमें भी दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, और रिज़ल्ट का इसमें भी दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, अच्छा उसके बाद ये यूज़र होगा एक अदद मेरे पास, और मैं लोकल स्टोरेज से तमाम यूज़र उठा के कहाँ ला के रख दूँगा, इसी में, इसमें भी इस पेज पे भी मुझे करना पड़ेगा ना ये काम, ज़ाहिर है लॉगिन करवाने के लिए लूप किस पे चलाऊँगा मैं, इसी यूज़र पे चलाऊँगा, तो मैं यूज़र उठा के सारा कहाँ ला के रख देता हूँ, इस पे रख देता हूँ, और अदरवाइज एम्प्टी एरे तो ये पहले है ही, मैंने इफ़ लगा के इसमें किया हुआ है, ठीक है, अगर कोई यूज़र नहीं हुआ लोकल स्टोरेज में तो एम्प्टी एरे होगा, लूप चलेगा ही नहीं, पहले ही बोल देगा यूज़र नॉट फाउंड, प्लीज़ गो साइन अप, अच्छा इसको भी डू लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, डू लॉगिन है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसमें भी करना है, बटन क्लिक पर रिफ्रेश नहीं करवाना चाहता मैं, अब इसमें मेरे पास दो ही आइटम है, एक है ईमेल और एक है पासवर्ड, तो बाकी चीज़ें उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है, दो ही है ना, ये आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है जितना मैंने अभी तक किया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यूज़र के ऊपर आइट्रेट करना है, यूज़र के ऊपर आइट्रेट करने के बाद मैंने कहा यूज़र का डॉट आई और ईमेल, अगर इसके इक्वल्स इक्वल्स है, अगर इसके इक्वल्स इक्वल्स है तो क्या करना है मुझे, पासवर्ड भी चेक कराना है, नहीं पासवर्ड बगैर चेक कराए थोड़ी होगा, पासवर्ड भी तो चेक कराना होगा, मैंने कहा इफ़ और एक इफ़ लगेगा यहाँ पर, ठीक है, एंड करके भी लगा सकते हैं, वो तरीका सही नहीं है, लेकिन अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं है, ठीक है, इफ़ ईमेल इक्वल्स टू और इफ़ पासवर्ड इक्वल्स टू, ये हो गया, अच्छा एक बात तो पक्की है कि अगर दोनों मैच हो जाता है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है, लूप को दोबारा नहीं चलाना, लूप यहाँ रोकना है मुझे, ठीक है, लूप को ब्रेक करना है मुझे, अच्छा ये नीचे की वैलिडेशन वगैरह ये हमारे काम की नहीं है, न्यू यूज़र भी हम क्रिएट नहीं कर रहे फिलहाल यहाँ पे, लोकल स्टोरेज सेट टाइम आउट, चलो सेट टाइम आउट कर देते हैं बस, फॉर्म को रीसेट कर रहे हैं उसके बाद, तो ये जस्ट लूप ही है हमारा जिसके अंदर हमारे लॉगिन का प्रोसेस हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र के हर इंडेक्स पे जाके चेक करता हूँ कि ईमेल किसी से मैच हो रहा है क्या, अगर किसी से ईमेल मैच हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर पासवर्ड भी चेक कराऊँगा, अगर पासवर्ड भी मैच हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके और मैं बोलूँगा रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुल, इज दैट करेक्ट, अच्छा अब मुझे ये भी बताना है कि अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो क्या करना है, एल्स मैं सेम जगह पे क्या करूँगा, एरर वाले पे मैसेज प्रिंट करूँगा और मैं क्या बोलूँगा, इनकरेक्ट पासवर्ड, सही है, इनकरेक्ट पासवर्ड मैंने बोल दिया, ये इफ एल्स, अच्छा अगर ये ईमेल मैच ना करे ये वाली तो मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि यूज़र ही नॉट फाउंड, ये भी बताना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक फ्लैग, ये मैं एल्स पे नहीं कर सकता ये काम, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फ्लैग,
इज फाउंड, ठीक है, शुरू में फॉल्स है, अगर जैसे ही मुझे मिल जाएगा उसको मैं ट्रू करवा दूंगा। ये फ्लैग फ्लैग वेरिएबल कहलाते हैं, ये बड़े मशहूर हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने फ्लैग अगर जैसे ही ईमेल टकर जाता है ना यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, इज फाउंड को क्या करवा दो, ट्रू करवा दो, ठीक है, इस फाउंड को क्या करवा दो, ट्रू। और जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इस जगह पे आगे कि भाई अगर इस फाउंड क्या है, अभी अगर अभी भी फॉल्स है, अगर नॉट लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि अभी भी फॉल्स है, तो क्या कराऊंगा मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एरर यूज़र नॉट फाउंड, अच्छा अगर मैं ये डबल इफ़ नहीं लगाता तो मैं ये दोनों चीज़ें अलग अलग पिक नहीं कर पाता, क्योंकि भाई ईमेल इक्वल्स एंड पासवर्ड इक्वल, ये दोनों मैच होगा जब ही तो इफ़ चलेगा ना, वरना इफ़ चलेगा ही नहीं। लेकिन अभी मैंने ईमेल का अलग लगाया, पासवर्ड का अलग लगाया, तो नतीजतन क्या होगा मेरे पास, मैं दोनों के मैसेज भी अलग अलग दिखा सकता हूँ कि इनकरेक्ट पासवर्ड है या यूज़र मिला ही नहीं है, फाउंड ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो दोनों के मैं एरर के मैसेजेस भी अलग अलग दिखाता हूँ। जी पहले इफ के एल्स में अगर मैं करता ना तो लूप कितनी दफ़ा घूम रहा है, लूप 10 दफ़ा घूम रहा है मिसाल के तौर पे, पहली दफ़ा लूप चला, इफ चेक किया, ट्रू नहीं हुआ तो क्या चलेगा, एल्स। फिर दूसरी दफ़ा लूप चला, इफ जब भी ट्रू नहीं हुआ तो क्या चलेगा, एल्स। तो इफ चलेगा एक दफ़ा, बाकी 9 दफ़ा चलेगा एल्स, तो मुझे ये काम नहीं करवाना है, मुझे एल्स को सिर्फ एक दफ़ा चलाना है, इसलिए मैंने बाहर फ्लैग के जरिए इसको काम करवाया। ये समझ आई सबको बात, तो ये काम फ्लैग के अलावा ये पॉसिबल नहीं है, इस इफ़ के साथ मैं एल्स यहाँ पे नहीं लगा सकता, अदरवाइज़ वो बहुत दफ़ा चल जाएगा, मुझे ये काम नहीं करवाना बहुत दफ़ा वाला। मेरा लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अभी रिडायरेक्ट वगैरह मैंने नहीं करवाया लॉगिन पे, ये मेरा कोड है टोटल लाइन नंबर 45 से लेके लाइन नंबर 75 तक का जो है वो मेरा लॉगिन का कोड है। अच्छा अब मैं आता हूँ जी, रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन पेज मेरा कुछ इस तरह का दिखता है, और लॉगिन पेज पे मैं बोलता हूँ आके, पासवर्ड देख लेता हूँ यहाँ से क्या था, abc@gmail और पासवर्ड 1234 और साइन अप लिखा हुआ है, अभी भी इस पर लॉगिन होना चाहिए इसका नाम ना, ठीक है, इसका नाम लॉगिन होना चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, abc@gmail 1234 और लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और अगर abc@gmail पे मैं क्या 1234 5 लगा दूँ तो इनकरेक्ट पासवर्ड, बिल्कुल सही हो गया, ईमेल भी इनकरेक्ट डाल देता हूँ। यूजर नॉट फाउंड, सही है। अच्छा यूजर नॉट फाउंड की सूरत में मुझे क्लियर तो नहीं करवाना था इसको, है ना, यूजर नॉट फाउंड पे तो क्लियर नहीं होना चाहिए था। कौन सा 5, सॉरी, ये रीसेट चलता है बिल्कुल लास्ट में, तो ये इज नॉट फाउंड अगर है ना, तो यहीं पे मैं क्या करवा दूंगा, इसको रिटर्न करवा दूंगा, नीचे तक जाने ही नहीं दूंगा इसको मैं। अरे अच्छा नीचे तक नहीं जाएगा तो ये रीसेट भी नहीं होगा फॉर्म फिर हमारा, सही है, जो सेट टाइम आउट पे क्लियर होता है ना 5 सेकंड बाद वो भी नहीं होगा, तो सही है वो भी मत हो, क्योंकि बंदे ने इनकरेक्ट अगर पासवर्ड डाला है तो 10 मिनट इधर देखने के बाद भी देखें ना उसको दिखेगा यार पासवर्ड इनकरेक्ट है लिखा हुआ, ये गायब नहीं होगा, सही है, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा और मेरा कहाँ पे था वो इनकरेक्ट पासवर्ड ना, ये वाला इनकरेक्ट पासवर्ड भी अगर होता है तो मैं यहीं पर इसको रिटर्न करवाऊँगा मैं, ठीक है, यहीं रिटर्न करवा दूँगा कि भाई आगे मत जाओ यहाँ से, मेरा फंक्शन यहीं एंड कर दो, क्योंकि जो रीसेट है वो लास्ट में है, जब फंक्शन लास्ट तक चलेगा जब ही रीसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो मैंने वहीं रिटर्न करवा दिया। मैंने इसको बोला भाई abc@gmail और पासवर्ड कुछ गलत लिखा, अब ये आ गया, क्लियर भी नहीं हुआ इस दफ़ा, और अब मैं ईमेल गलत लिखता हूँ। रीसेट की ज़रूरत है ना, रीसेट की ज़रूरत क्यों नहीं है, हाँ बात तो वैसे सही है, डायरेक्ट दूसरे पेज पर जा रहा है तो रीसेट की ज़रूरत क्या है, बात सही है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब हमें करना क्या है, अभी हमें एक तीसरा पेज बनाना है डैशबोर्ड का, सही है, अभी हमें एक तीसरा पेज बनाना है डैशबोर्ड का, और उसके ऊपर हमें क्या करवाना है,
इसको रिडायरेक्ट करवाना है ऑटोमेटिकली। DASHBOARD पेज, सही है, डैशबोर्ड पेज पे इसको मुझे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करवाना है। अच्छा यहाँ पे मुझे H1A का तो चाहिए जिसमें मैं उस यूज़र का नाम लिखूँगा, ठीक है, इसको मैंने आईडी दे दी, बंदे का नेम, सही है, और ईमेल और नेम कर देता हूँ, सही है, ये दो चीज़ें मुझे रखवानी है। अच्छा क्या इस पेज पे मुझे तमाम यूज़र को उठवाने की ज़रूरत है? नहीं है, ठीक है, तमाम यूज़र को उठवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे ये डू लॉगिन के फंक्शन की ज़रूरत है? मुझे नहीं है, नहीं है ना, डू लॉगिन के फंक्शन की ज़रूरत थोड़ी है मुझे। अब मुझे ये जो लॉगिन हुआ है ना अभी अभी यूज़र, ये मुझे चाहिए कि कौन है ये जो लॉगिन हुआ है, मुझे क्या चाहिए, कौन है बंदा जो लॉगिन हुआ है, तो लॉगिन करवाते हुए उस बंदे का नाम मुझे अलग सेव करना पड़ेगा ना कहीं, जब तो मुझे पता चलेगा कि कौन लॉगिन हुआ है। तो ये जहाँ पे मैं बोलता हूँ ना लॉगिन सक्सेसफुल, इस जगह पे मैं लोकल स्टोरेज में एक आइटम सेट करूँगा, क्या करूँगा सेट, मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लॉग्ड इन यूज़र, कि अभी जो यूज़र लॉग्ड इन अभी है ना अभी जो है वो कौन है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि भाई जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके कौन सा रखवा दो यूज़र, यूज़र्स का इंडेक्स आई, यूज़र्स का यही यूज़र है ना वो जो अभी लॉगिन हुआ है जिससे मैच हो गया पासवर्ड, तो मैंने इसको कहाँ रखवा दिया, लॉग्ड इन यूज़र में लोकल स्टोरेज में मैंने सेव करवा दिया, सही हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे आगे यहाँ पे एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन बना के उसको उठा सकता हूँ ना, कि वहाँ जो रखा था वो यहाँ से उठा लूँ मैं, सही है। अच्छा सेल्फ कॉलिंग फंक्शन में बाय द वे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक फंक्शन बना के नीचे उसको कॉल कर दूं या सेल्फ कॉलिंग बना दूं, बात देखिए सेल्फ कॉलिंग मेमोरी थोड़ी एफिशिएंसी देता है, ठीक है, अदरवाइज वो जो बना देते हैं ना नाम से तो वो आखिर तक रजिस्टर रहता है, ये आखिर तक रजिस्टर नहीं रहता, ये फौरन ही ख़त्म हो जाता है, मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता ये, यानी जब तक जब चल रहा होता है उस वक्त लेता है, जैसे ही ख़त्म तो फंक्शन भी ख़त्म। अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मुझे वो आइटम उठवा के लाना है, कौन सा आइटम जो मैंने यही काम करना है असल में मुझे, लेकिन किसी दूसरी वैल्यू पे करना है, लोकल स्टोरेज है ना लॉग्ड इन यूज़र, इस पे काम करना है मुझे ये, मैंने कहा लॉग्ड इन यूज़र को उठाओ वहाँ से और इसको क्या करो पार्स करके इसमें रखवा दो यूज़र के अंदर, नहीं सॉरी यूज़र के अंदर नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा मेरा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा लेट लॉग्ड इन यूज़र इक्वल टू अनडिफाइंड, फिलहाल मैंने रख दिया शुरू में, इसको शुरू में क्या रख दिया मैंने, अनडिफाइंड रख दिया, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट होगा ना क्योंकि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने शुरू में इसको, और मैंने कहा आप क्या करोगे, आप लॉग्ड इन यूज़र में अगर कोई आपको मिलता है आइटम, ठीक है, तो उस आइटम को उठाओ, अगर वो आइटम क्या है उसमें कुछ मौजूद है यानी एम्प्टी स्ट्रिंग या नल उसमें नहीं है, तो क्या करोगे आप बोलोगे लॉग्ड इन यूज़र में क्या रखवा दो, वो पूरा यूज़र रखवा दो, अदरवाइज एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो ये है ही, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन आ चुका है, अब मेरे पास ये ऑप्शन आ चुका है कि इसी सेल्फ कॉलिंग फंक्शन में मैं क्या करूँगा, ये जो ईमेल और नेम के ऊपर बनी हुई है ना H1 और H2, ये यहाँ पे मैं उसका नाम प्रिंट करवा दूँगा। अच्छा मैंने क्या बोला, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मैंने कहा ईमेल डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या रखवा दूँ मैं, मैंने कहा लॉग्ड इन यूज़र डॉट ईमेल, सही, इसी को डुप्लीकेट करूँगा मैं और नेम भी रखवा दूँगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इस पेज पे आता हूँ डैशबोर्ड के पेज पे, मैं जैसे ही आता हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड के पेज का मैंने कॉपी पास्ट किया और यहाँ पे डायरेक्ट मैं डैशबोर्ड के पेज पे आ गया। हाँ यार बात तो सही बोली तुमने, तो
हाँ हैश टैग लगाना भूल गया मैं। ठीक है अच्छा, दोनों अनडिफाइन इसलिए मिल रहे हैं मुझे क्योंकि मैंने वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखा था ना, मैंने ये नहीं रखा था, नेम नहीं रखा था। सही है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा था, लॉग इन यूजर डॉट फर्स्ट नेम और एक स्पेस बीच में, सही है, फिर उसके बाद लास्ट नेम, सही है। बस इसके मैं बल्कि वो भी बना सकता हूँ, मैं टेम्पलेट भी बना सकता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ये थोड़ा मैसी हो जाता है प्लस प्लस वाला ना। ES6 लिख रहे हैं पूरा, कोई ES5 का पुराना फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे, सही है। इसको मैं दूसरी लाइन में भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबिलिटी इसकी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैंने टेम्पलेट बना दिया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, बैक टिक क्लोज नहीं किया मैंने, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अरे क्या हो रहा है ये, मेरे पास क्या वो है नहीं। अच्छा लॉग्ड इन यूज़र तो बना ही नहीं है ना, लॉग्ड इन यूज़र बनाने के लिए पहले मुझे लॉग्ड इन, क्योंकि उस वक्त बना हुआ नहीं था तो वो सेव नहीं हुआ। मैंने कहा abc@gmail1234, ठीक है, ये मेरा यूज़र क्या हो गया, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पे ये लॉग्ड इन यूज़र अब आया है, पहले वो था ही नहीं तो ज़ाहिर है मिल रहा ही नहीं था मुझे। अब मैं डैशबोर्ड पर जाऊँगा तो ये देखो रिफ्रेश करूँगा, ये लिखा पा रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे एक लॉगआउट का फंक्शन चाहिए, लॉगआउट भी तो चाहिए ना, लॉगिन हो गया लॉगआउट भी तो करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, छोटा सा लॉगआउट का फंक्शन बना देता हूँ, है लॉगआउट का एक बटन होगा ना, क्लिक करने से लॉगआउट होगा, और इस पर ऑन क्लिक क्या होगा, डू लॉगआउट यही होगा ना। डू लॉगआउट के फंक्शन में मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज से उस बंदे को क्लियर करवा दूंगा मैं, लॉग्ड इन यूज़र जो बैठा हुआ है लोकल स्टोरेज में, तो मैं डू लॉग आउट का यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ। मैंने कहा डू लॉग आउट, सही है, मैंने कहा लेट डू लॉग आउट इक्वल्स टू फंक्शन वाले के वो नेम फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्म नहीं है तो उसमें मुझे इवेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डू लॉगआउट के अंदर मुझे बहुत सिंपल काम करना है कि ये जो लोकल स्टोरेज का आइटम है ना ये वाला, इसको मुझे क्या करवा देना है, इसको मुझे सेट रिमूव करूँगा मैं, सही है, रिमूव आइटम रिमूव हो जाएगा ये। आगे ज़रा रिफ्रेश करते हैं, लॉगआउट का बटन है साथ में, मैं ये भी खोल के रखता हूँ अपना कॉन्सोल। मैं यहाँ से जैसे ही लॉग आउट का बटन प्रेस करूँगा तो एरर क्यों आया ये भला, रिमूव आइटम, अच्छा वो नाम भी तो लिखना था ना उसका, क्या रिमूव करवाना है, लॉग्ड इन यूज़र है इसको रिमूव करवाना है मुझे। लॉग आउट का बटन जैसे ही दबाया मैंने तो ये यहाँ से गायब हो गया लॉग इन यूज़र। अब एक चीज़ की कमी है इसमें सिर्फ, ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट वगैरह नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल, सही है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये अनडिफाइंड शो करेगा, लेकिन अभी भी खड़ा हुआ है, इसको यहाँ खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, सही है। अब हम वापस चलते हैं साइनअप वाले पे, जब साइनअप कंप्लीट हो तो मैं ये नहीं चाहता कि ऑटोमेटिक वो लॉगिन पे जाए, क्योंकि ये नॉर्मल लगा दे तो ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली मतलब ऐसे ही होता है कि वो डायरेक्ट नहीं जा रहा होता, लेकिन लॉगिन पे जब मैं खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई abc.gmail और 1234, तो मैं चाहता हूँ लॉगिन प्रेस करते ही एक तो रिडायरेक्ट हो जाए, दूसरा दोबारा लॉगिन के पेज पे ये आ भी ना सके, अगर आए तो भी उसको उठा के फेंके वो, सही है। मैं ये चाहूँ बैक के बटन से किसी तरह से भी नहीं आ सके, हाथ से भी लिखे तो आए ये पेज लेकिन गायब हो जाए, गायब होकर दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाए, तो ये दो काम मैंने करवाना है, सही है। तो पहला काम सबसे पहले करते हैं, लॉगिन के पेज पे मैं वापस जाता हूँ और लॉगिन सक्सेसफुल जहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, विंडो डॉट href ऐसे ही था ना, HERE लोकेशन डॉट HREF LOCATION डॉट, ये आ गया ना HREF ऑटोमेटिक, क्या लगाऊंगा मैं डॉट स्लैश डैशबोर्ड, जैसे ही लॉगिन कंप्लीट हो तो कहाँ भेज दो इसको उठा के,
डैशबोर्ड पे भेज दो बड़ा भी, सही हो गया। अच्छा तो देखते हैं अभी होता है नहीं होता। विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन से तो नई विंडो ओपन हो जाती है ना। नहीं, फेसबुक पे जब लॉगिन करते हो तो वही पेज मूव होके डैशबोर्ड पे जाता है ना, नई विंडो तो नहीं खुलती। और भी तरीके हैं बहुत सारे। नहीं नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, बस ये हमेशा इसी तरह होगा। एचआरएफ में जो भी फाइल का नाम बताओगे वो चला जाएगा। भाई एंकर टैग जब लगाते हो तो ऐसे ही करते हो ना, एंकर टैग में क्या करते हो, एंकर टैग यहाँ पे लगा देते हैं ना नीचे, डोंट हैव एन अकाउंट, यही होता है ना, डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। और एक एंकर टैग मैंने लगाया और मैंने कहा डॉट स्लैश, साइन अप नहीं आ रहा इसमें, अच्छा इंडेक्स है ना साइन अप हमारा, हेलो हाँ हाँ क्लास में हाँ यार वो बंद थी शॉप, बंद थी शॉप, बंद थी उसकी जिम्मे की वजह से। क्या सही है, ठीक है ठीक है, लो सही है ठीक सही है। अच्छा भाई ये इधर देख लो, मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगाया है तो एंकर टैग में यही तो लिखता हूँ मैं पेज का नाम, कि भाई कहाँ चले जाए, फला पेज पे चले जाओ, इस पर क्लिक करने से फला पेज पे मूव कर जाए, यही तो लिखता हूँ मैं, और क्या लिखता हूँ। ये देखो साइन अप का बटन दबाया, ये ले गया साइन अप पे, लॉगिन का बटन दबाया, लॉगिन पे ले आया। तो यही चीज़ मुझे कहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर करनी है मुझे ये चीज़, तो मैं ये काम कैसे करूँगा। वैल्यू सेम वही है, लेकिन अब क्या है, एंकर टैग का एच आर एफ की जगह ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ है। मुश्किल तो नहीं है ये, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ जो भी रखोगे वो मिल जाएगा। अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, लॉगिन जैसे ही हो 1 2 3 4 और लॉगिन का बटन हो तो ठक लॉगिन के पेज पे आए और आते ही मेरा नाम शो कर दे, सही है। अच्छा अब लॉगआउट जब मैं कर देता हूँ तो लॉगआउट पे वापस भी जाए ना लॉगिन पे, ठीक है। अभी लॉगआउट करने पे कुछ नहीं होता है, प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, रिफ्रेश करता हूँ तो अनडिफाइन हो जाता है। तो अब लॉगआउट का फंक्शन आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे आया मैं, लॉगआउट डू लॉगआउट करने के बाद क्या करें, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ इक्वल्स टू क्या कर दे, डॉट स्लैश लॉगिन कर दे, लॉगिन है ना, लॉगआउट हुआ है अभी तो अब लॉगिन पे जाएगा वो, हाँ सही है। लॉगआउट का बटन प्रेस किया लॉगिन पे, यहाँ से लॉगिन किया 1 2 3 4 लॉगिन किया डैशबोर्ड पे, लॉगआउट दबाया वापस लॉगिन पे, हाँ भाई हो गया असली। अब एक काम आखिरी रह गया, आखिरी ये रह गया कि अब ये देखो लॉगआउट हो चुका है ना, अब मैं इसको अगर बैक करूँगा ना ये डैशबोर्ड पे जाके अनडिफाइन अनडिफाइन खड़ा हो जाता है। मुझे ये नहीं करवाना है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा अगर लॉगिन नहीं है तो वो डैशबोर्ड पे खड़ा नहीं हो सके, जाके डैशबोर्ड उसको लात मार के वापस भगाए। कैसे होगा ये काम, ये काम डैशबोर्ड के पेज के ऊपर देखो एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन चलता है। सेल्फ कॉलिंग फंक्शन क्या चेक करता है कि अगर लोकल स्टोरेज में कोई है तो उसको लाके यहाँ रखवा दे, उसके बाद उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दे। अगर मैं यहाँ पे ये चेक लगा दूँ तो सॉरी चेक तो लगा भैया, एल्स लगाना है उसके अंदर मुझे, इसके साथ मैं एल्स लगा दूँ एक कि अगर तो आइटम एग्जिस्ट करता है तो उसको लॉग्ड इन यूज़र के अंदर डाल दो, अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करता नल मिल जाता है तो क्या करो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ इक्वल्स टू लॉग इन डॉट एच टी एम एल और डॉट स्लैश भी लगा देता हूँ शुरू में, ठीक है। एल्स पे मैं अच्छा इसमें ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज ना कर रहे कहीं आप लोगों को ये, ठीक है। एल्स में मैंने ब्रैकेट लगा दी, इफ़ में नहीं लगाई, ये भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। दोनों में ब्रैकेट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन एक में लगा दिया मैंने,
मैंने कहा इफ अगर आइटम मिल जाए अगर तो लॉग्ड इन यूजर में वो वेरिएबल में रखवा दो और बाद में वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने कहा एल्स अगर आइटम नहीं मिले तो क्या करो, लोकेशन डॉट एच एफ से उसको भेजो वापस और इस फंक्शन को यहाँ से आगे नहीं चलने दो। ये फंक्शन है ना सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, इस फंक्शन को यहाँ से आगे नहीं चलने दो, आगे चलेगा तो यहाँ एरर आएगा क्योंकि वो तो चीज़ें है ही नहीं, अनडिफाइन है वो तो। अब देखते हैं मुझे डैशबोर्ड पे ये खड़े होने देता है या नहीं। देखो डैशबोर्ड पे मुझे खड़े नहीं होने देगा अभी, ठीक है। मैं बैक करता हूँ, देखो डैशबोर्ड पे मैं जा ही नहीं सकता, डैशबोर्ड पे मैं नहीं जा सकता किसी भी हाल में नहीं। डैशबोर्ड पे जाऊँगा वापस पलट के वापस आ जाएगा abc.gmail1234। लॉग इन हुआ डैशबोर्ड पे आ गया, लॉग आउट हुआ बाहर। अब मैं वापस बैक दबाऊँगा तो डैशबोर्ड पे नहीं जाने देगा मुझे, देखो ब्लिंक होके वापस आ गया, पता नहीं चला। सही है, अच्छा अब मुझे क्या काम करना है, डैशबोर्ड से वापस लॉगिन में नहीं आना जब तक। हाँ अब जब लॉगिन हो गया ना एक बार ये, तो फिर डैशबोर्ड पे ही रहे, ऐसे पेज पे ना जा सके जहाँ पे बगैर लॉगिन हुए हुए जाता है, जैसे लॉगिन के ऊपर ना जा सके। भाई लॉगिन तो हो गया ना, अब दोबारा क्या करेगा लॉगिन पे जाके, तो अगर लॉगिन पे जाता भी है तो वो जंप होकर इस तरफ आ जाए, लेकिन अभी मैं बैक करता हूँ तो लॉगिन पे आ जाता है, हालांकि लॉग्ड इन है ऑलरेडी। तो लॉगिन के पेज पे मुझे यही काम करना होगा, भाई लॉगिन के पेज पे मैं सेम काम कर लूँगा इधर। ये मैं लॉगिन पे आया, लॉगिन में भी एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है। इस सेल्फ कॉलिंग फंक्शन के अंदर मैंने क्या उठाया, मैंने ये लॉग्ड इन यूजर उठाया, ठीक है, और मैंने बोला कि इफ लॉग्ड इन यूजर इक्वल्स इक्वल्स, मतलब नॉट लगा देता हूँ, चलो इस पर ना नहीं मुझे क्या करना है, अगर लॉगिन है तो भगाना है यहाँ से ना लॉगिन के पेज से। हाँ तो मैंने कहा इफ लॉग्ड इन यूजर, तो आप क्या करो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच एफ करके उसको, और मैंने कहा लॉगिन यूजर अगर मिल जाता है, क्योंकि मैं लॉगिन के पेज पे हूँ और लॉगिन पहले से यूजर हुआ हुआ है, लॉगिन यूजर मिल रहा है मुझे, तो उसको कहाँ भेज दो, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल dashboard.html। तो अब मैं जब यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये लॉगिन से भगा देगा, डैशबोर्ड पे ले गया, ठीक है। अब मैं बैक करूँ जितना भी मैं लॉगिन पे नहीं जा सकता। अच्छा साइनअप पे लेकिन अभी मैं जा पा रहा हूँ, साइनअप पे भी मना करवाना पड़ेगा मुझे, तो ये छोटा सा कोड मैं कॉपी करके साइनअप पे भी लेके चला जाऊँगा। साइनअप पे भी एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है टॉप पे, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब मुझे ये क्या यहाँ पे भी खड़ा नहीं होने देगा, साइनअप पे भी, साइनअप पे खड़ा हूँ, रिफ्रेश करूँगा डैशबोर्ड पे ठक। अब मैं जब लॉगिन होने के बाद, क्योंकि लॉगिन होने के बाद मेरे पास पेज ही एक है डैशबोर्ड, तो मैं लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड के अलावा कहीं नहीं जा सकता, कहीं पे भी नहीं जा सकता। सबसे एंड पे तो ये होम वेबसाइट ही एग्जिट हो गई ना ये तो, सही है। लॉग आउट का बटन दबाया, अब मैं देखो लॉगिन पे भी हूँ, मैं साइनअप पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। वंस मैं लेकिन लॉगिन हो जाऊँगा जब, तो मैं फिर बैक करूँगा तो वो मुझे वापस इधर ही फेंकेगा लागे। ये हमारा यहाँ पे लॉगिन साइनअप का जो ऐप थी वो कंप्लीट हो गई। क्या हुआ है लॉगिन को, लोकल स्टोरेज पे मैं एक वैल्यू रखवाता हूँ ना, यहाँ एप्लीकेशन में गया, देखो अभी लॉगिन है ना बंदा, तो ये लॉग्ड इन यूजर के अंदर इस यूजर की पूरी एक कॉपी रखवाई थी मैंने, जब लॉग आउट करूँगा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा अच्छा लॉगिन नहीं है बंदा। एक भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। एक बनाओगे तो तुम्हारा ये जो डबल डबल किया है ना मैंने, मतलब यही एक काम मैंने कहाँ करवाया, लॉगिन पे भी करवाया, साइनअप पे भी करवाया, ये काम बच जाएगा तुम्हारा, अलग अलग एक ही दफ़ा लिखोगे दोनों पे हो जाएगा। सर ये जो कॉलिंग वाला फंक्शन, जो सेल्फ कॉलिंग, इसका भी क्या, सेल्फ कॉलिंग तीन अलग अलग बना है ना मेरे पास, तुम्हारे पास एक ही बनेगा, उसी में ही सारी कंडीशन होंगी, सारी कंडीशन लॉगिन की, डैशबोर्ड की सारी, हाँ उसी में ही होगी ना सारी। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी जो नया आया है ना कंपोनेंट बेस जो प्रोग्रामिंग है, जैसे रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बेस होता है,
तो उसके अंदर हर पेज की जावास्क्रिप्ट ना उसी फोल्डर में होती है। तो असूलन होना ये चाहिए कि आप index.html की index.javascript बनाएंगे, login.html की login.js बनाएंगे, तीन अलग अलग फाइल बननी चाहिए असूलन, क्योंकि रिएक्ट में इसी तरह होता है काम, जो अभी जो सीखने लगे हैं। मैंने इंटरनल कर दिया लेकिन इंटरनल रिकमेंडेड नहीं है, अलग फाइल हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो अभी नई वाली है, जो हम जो मॉड्यूल कंपोनेंट बेस प्रोग्रामिंग करते हैं रिएक्ट में और नेक्स्ट जेएस में, वो इसी तरह होती है कि हर, देखो इसको ना माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक किया था, इसको कहते हैं एमवीपी कहते हैं उसको। क्या होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है डेटाबेस आपका, कि जो डेटा है, जो भी डेटा है वो मॉडल होता है आपका। उसके बाद एक होता है व्यू। व्यू का मतलब स्क्रीन पे जो दिखने वाला है, फॉर्म वगैरह, बटन और ये। और एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब जावास्क्रिप्ट, कि किस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। कंट्रोलर क्या करता है? व्यू पे जब क्लिक होता है ना तो मॉडल में चेंजेस करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेमवर्क था, एमवीपी फ्रेमवर्क। तो एमवीपी मॉडल पे ही चल रहा है सब कुछ अभी भी लेटेस्ट जो है। तो अब क्या होता है कि एक कंपोनेंट जो है ना इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। नंबर एक क्या होता है? व्यू मॉडल। हमारे केस में मॉडल अभी लोकल स्टोरेज है, अभी डेटाबेस है ही नहीं हमारे पास। हाँ, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हमारे केस में मॉडल क्या है? डेटाबेस है। और व्यू क्या है? ये HTML की फाइल, ये व्यू है। और कंट्रोलर हमारी जावास्क्रिप्ट है। तो रिएक्ट के अंदर भी यही होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर से चल रहा होता है। तो इसलिए हाँ, अच्छा CSS और HTML दोनों व्यू है, सही है। MVC सब जगह ही फॉलो हो रहा है अब नए में। तो इससे ये होता है कोड में मॉड्यूलैरिटी आ जाती है, मॉड्यूलर हो जाता है कोड। आप मिसाल के तौर पे एक बंदा लॉगिन के पेज पे अगर काम कर रहा है तो लॉगिन के ऊपर जो HTML है, उस पर जो जावास्क्रिप्ट है और उसमें जो APIs कॉल होंगी, वो तीनों एक ही बंदा करेगा, ठीक है। वो तीनों एक ही बंदा करेगा ताकि उसको पता हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और जब दूसरे कंपोनेंट से ये कम्युनिकेट करेगा तो उसके रूल रेगुलेशन होती है, वो हम रिएक्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। वो एक रूल रेगुलेशन होती है, उसी के तहत कम्युनिकेट होता है, ठीक है। एक डेटा स्टोर होता है सेंट्रल, सब लोग वहाँ अपना डेटा रखते हैं, जो लोकल स्टोरेज में जो भी जिसको सेव कर रहे हैं ना, वो उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट API। कुछ अरसे पहले तक रिडक्स चलती थी, लेकिन रिडक्स अब हो गई है पुरानी, अभी चलती है कॉन्टेक्स्ट API। तो हम इंशाल्लाह कॉन्टेक्स्ट API पढ़ेंगे। नहीं तो जब कॉन्टेक्स्ट API रिएक्ट का अपना है ना, वो तो रिडक्स तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, लेकिन ये तो अपना इन्होंने वो कर दिया ना इंट्रोड्यूस। तो रिडक्स टूल किट अच्छा आइटम है, सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट API जो है वो सिंपल है और पावरफुल है। शुरू में जब आई थी लोगों को पता नहीं था यूज़ कैसे करना है, तो लोग कहते थे यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन अभी समझ में आ गया लोगों को कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो अभी सब लोग कॉन्टेक्स्ट API की तरफ ही मूव करने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। रिएक्ट का अपना है वो, रिएक्ट का अपना है। इवन वो उसी लड़के ने लिखा है जिसने कॉन्टेक्स्ट, ये जिसने रिडक्स लिखा था, रिडक्स का जो क्रिएटर है ना, रिडक्स का कोड जिसके हाथ का लिखा हुआ है, उसी को ही हायर कर लिया फेसबुक वालों ने, उसी से बनवा रहे हैं वो। बनवा क्या रहे? बनवा लिया। अब तो अपडेट होती रहेगी जाहिर है वक्त के साथ साथ। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आते हैं तो रुक जाना, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है बंदा, ठीक रुकनी नहीं चाहिए, आ जाए बस। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल इसके अंदर है तो पूछ लो। शो पासवर्ड लॉगिन में करवाना है, शो पासवर्ड देखो, ये पासवर्ड जो शो होता है, लॉग आउट कर देता हूँ मैं, ये जो पासवर्ड ऐसे ये पासवर्ड की तरह शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसकी टाइप पासवर्ड है। तो अगर मैं प्रोग्रामेटिकली उसकी टाइप पासवर्ड रिमूव कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो लिखा हुआ आ जाएगा, फिर एक बटन दोबारा दबाऊं तो टॉगल कर दे, दोबारा पासवर्ड कर दे, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके इंस्पेक्ट पे जाता हूं और यहां से पासवर्ड टाइप पासवर्ड हटा देता हूं, तो ये दिख गया पासवर्ड मुझे। तो मुझे जस्ट एक छोटा सा क्या लिखना है, एक फंक्शन लिखना है बटन के ऊपर क्लिक करें। हाँ, पहले तो मैं बटन बनाता हूँ कि इसमें बटन कैसे बनेगा। बटन शो पासवर्ड,
टॉगल शो पासवर्ड के नाम से मैंने बटन बना दिया, दोबारा शो करवा देता हूँ। ठीक है, जो पासवर्ड की फील्ड थी ना उसके फौरन बाद मैंने क्या बनवा दिया है, एक बटन बना दिया टॉगल शो पासवर्ड। ठीक है, ये इस तरह से शो होगा। इसके अंदर कोई अच्छा, ये बाय द वे ये वाला बटन तो नहीं बनेगा, ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा आइकन बटन। आइकन बटन कैसे बनता है? शो पासवर्ड का आइकन देख लेते हैं हम। एक ये और एक क्रॉस है, दो हैं। सही है, शो हाइट। हाँ, क्लिक करें तो वो नजर आ जाए, यही होगा। ठीक है, तो ये आइकन बटन सब लोगों को बनाना आता है, ये HTML की बुक में बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो मैं सिंपल बटन बना रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अच्छा, और इसके मैं ऑन क्लिक पे क्या करवा देता हूँ, मैंने कहा TOGGLE टॉगल शो पासवर्ड। टॉगल शो पासवर्ड का मतलब क्या है? टॉगल का मतलब होता है अगर ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो, ये होता है ना। तो टॉगल शो पासवर्ड का मतलब क्या है कि अगर पासवर्ड शो है तो हिडन कर दो, हाइड है तो शो कर दो, ये कर दो उसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नाम का एक फंक्शन यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा, फंक्शन टॉगल शो पासवर्ड। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और पासवर्ड नाम था ना उसका, क्या नाम था, पासवर्ड डॉट हैश नहीं लगाया, नहीं एलिमेंट बाई आईडी में हैश नहीं लगाना होता, एक ही बात है दोनों में। गेट एलिमेंट बाई आईडी भी कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर भी, एक ही बात है। हाँ भाई, अब क्या इसमें रिमूव करूँ मैं, डॉट एट्रीब्यूट या टाइप? अच्छा, ये मैं भी भूल गया हूँ, डॉट डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट टाइप। टेक्स्ट, अब मैंने यहाँ कुछ लिखा और मैंने ये बटन दबाया। अच्छा, ये सबमिट का बटन समझ रहा है इसको भी, ये ऑन क्लिक तो मैंने लगाया लेकिन वो चल रहा नहीं है ऑन क्लिक पे। हाँ, इसको बटन से हटा के मैं कुछ और बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको बटन से हटा के थोड़ी देर के लिए मैं कुछ और बना देता हूँ, काम नहीं कर रहा। हाँ भाई, एट्रीब्यूट टाइप कैसे चेंज होगा? अच्छा, चेंजिंग एट्रीब्यूट, ये हमने देख लिया। सेट एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू डेमो क्लास, सही है। तो हम क्या करेंगे, सेट एट्रीब्यूट करेंगे। टाइप कॉमा, टाइप को मुझे टेक्स्ट बनाना है ना, पहले से पासवर्ड है, टेक्स्ट बनाना है उसको मैंने, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, सही है। अब ये टॉगल भी करना है, इसको वापस भी लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मुझे किस चीज़ पे इफ लगाना होगा, मुझे किस चीज़ पे इफ लगाना होगा यहाँ पे, लेट टाइप, अभी टाइप क्या है, लेट टाइप इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आई डी डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट टाइप। इसमें गालबन मुझे क्या मिल जाएगा, उसकी करंट टाइप जो है वो मुझे मिल जाएगी। करंट टाइप को मैं कंसोल करवा लेता हूँ, इसकी करंट टाइप मुझे यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ये दे देगा, सही है। करंट टाइप टेक्स्ट मुझे मिल गई,
अच्छा टाइप ये मुझे दे रहा भी किस फॉर्म में, ये अजीब सा ही कुछ फॉर्म दे रहा है मुझे। टाइप डॉट वैल्यू, पासवर्ड सही है। यार पहले मुझे वैसा क्यों दे रहा था ये, जब मैंने डॉट टाइप लिखा है। डॉट वैल्यू करके ही मिल रहा है मुझे, तो यहीं पे मैं लगा देता हूँ डॉट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ, और मैं बोलूँगा कि भाई अगर जो टाइप है इक्वल्स इक्वल्स है अगर किसके, पासवर्ड के, तो उसको बना दो टेक्स्ट, और एल्स क्या करो उसको वापस जो है वो क्या बना दो, पासवर्ड बना दो। सही है, ये मैंने यहाँ से एट्रीब्यूट गेट करके इसका उस पर इफ लगा लिया कि अगर पहले से पासवर्ड है तो उसको सही है। ये बन गया भाई हमारा शो हाइड पासवर्ड। हाँ वो तुम, ये तो HTML के मसले हैं ना यार, ये तो HTML के मसले हैं। नहीं नहीं इनपुट के अंदर भी बटन होते हैं, ये देखो ना बंदे ने सवाल पूछा हुआ है कि इनपुट बॉक्स के अंदर मुझे बटन चाहिए, मैं कैसे लगाऊं। नहीं ये लोगों ने सवाल का जवाब दिया हुआ है ना इसके, ये लोगों ने सवाल का जवाब दिया हुआ है इसके कि भाई इस तरह होगा ये। हाँ तो बस यहाँ से देख लेना लोगों ने कैसे किया हुआ है, ये कितना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है मेरा ख्याल है बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीका ये कि इनपुट बॉक्स के बाहर सामने स्क्वायर बटन होना चाहिए। ठीक है वो क्या बनेगा आपका, इमेज बटन बनेगा। इमेज बटन यहाँ पे देख लो कैसे बनाते हैं लोग। ठीक है ऐड अ इमेज बटन, अरे भाई ये कुछ और ही है, आइकन बटन लगा देता हूँ। क्रिएट अ आइकन बटन, ये इस तरह का एक बटन होना चाहिए जिस पे वो आई ओपन आई क्लोज हो। ट्राई इट योरसेल्फ पे गया मैं और इन्होंने क्या लगाया हुआ है, फॉन्ट ऑसम की CSS लगाई हुई है, तो ये फॉन्ट ऑसम की CSS मैं भी लगा देता हूँ अपने पास। ठीक है मैं टॉप पे गया हेड में और फॉन्ट ऑसम का जो CSS था वो मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब CSS लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, कोई भी बटन होगा उसको मैं क्लास क्या दूंगा, ये फॉन्ट ऑसम करके है ये दे दूंगा मैं, तो ये मैं बटन कॉपी कर लेता हूँ। सही है और मेरा जो ये बटन था क्या कहते हैं जिसको पी किया हुआ था मैंने, इसको मैं ये बटन बना दूंगा ऑन क्लिक, इसका जो है इसके अंदर कर दूंगा। ठीक है अब मेरे पास स्क्रीन पे क्या शो हो जाना चाहिए, ये शो हो गया फॉन्ट ऑसम वाला। अच्छा कलर नहीं आया मेरे पास भाई, दादा कलर क्यों नहीं आया। अच्छा कलर इसको बताना पड़ता है, इन्होंने तो नहीं बताया, सॉरी बटन वाले को दबाने से रिफ्रेश कर रहा है। नहीं नहीं सबमिट का काम तो नहीं कर रहा है। अच्छा वो बटन है ना असल में, ये मैं इसको बटन से ही हटा दूंगा, मैं इसको स्पैन बना दूंगा। ये लोग सही है, जब भी इसी तरह चलेगा, स्पैन बना दिया मैंने इसको, बटन का वो बॉर्डर भी गायब हो गया। अब यहाँ पे आँख बंद और आँख खुली वाली मैंने वो चीज़ लेकर आनी है। सही है अब मैं फॉन्ट ऑसम का जो है ना
सही है फॉन्ट ऑसम आइकन्स पे चला जाऊंगा मैं, ये फॉन्ट ऑसम के आइकन्स पे चला गया मैं। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा शो पासवर्ड एंटर, ये मुझे बता देगा आई। अच्छा ई वाई ई, आई ओपन लिखता हूँ ना, आई क्लोज नहीं आया लेकिन ना। अच्छा ये आई स्लैश है एक हमारा, ये मैंने क्या कर लिया इसका कॉपी कर लिया आई स्लैश, एक मुझे चाहिए आई स्लैश और एक मुझे चाहिए आई। ये क्या किया मैंने, अच्छा पूरा आई का वो किया भाई, सही है। तो मेरे पास फिलहाल क्या आ चुका है वे? अच्छा ये फॉन्ट ऑसम का शायद पुराना वर्जन मैंने अटैच किया है अपने पास, तो इसलिए जो है ना वो शो नहीं कर रहा। मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके नया वाला वर्जन ले लेता हूँ यहाँ से, वो सी डी एन मेरे पास जो लगा हुआ उसकी उसका वर्जन पुराना होगा, उसका है 4.7 है। अभी देख लेते हैं क्या वर्जन है। गेटिंग स्टार्टेड में ना ये मुझे सी डी एन दे रहा होगा यहाँ पे लाके। क्या कहाँ लेके जा रहा है, सी डी एन दे दे भाई, सी डी एन दे जान छोड़ा। नहीं नहीं यहाँ पे आ रहा होगा सी डी एन, सामने सी डी एन लिख दे बस खत्म कर कहानी। एड है तो सही है, फोटोशॉप का लगा मैंने एड, लेकिन बस वो आ गया ना मैं, अब तो मैं आ गया ना। हाँ ना मैं वही तो देख रहा हूँ, नए वाले वर्जन का सी डी एन ढूंढ रहा हूँ मैं। क्रिकेट तो ये इनका खुल नहीं रहा क्रिएट अकाउंट। ओ अच्छा ये कह रहा है लॉगिन करो भाई, सही कह रहा है ना, यहाँ पे V6 कर देता हूँ ना। ठंडा ही हो गया, चलो ये भी जुगाड़ करके देखते हैं। तुक्का है ये, चल गया तो सही है, नहीं चला ना कहाँ चला है? भाई मुझे क्यों नहीं दिख रहा वो, कहाँ आ रही है लिंक बताओ ना है? डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकिन लगा लेते हैं ना इन्हीं का। फॉन्ट ऑसम सी डी एन डायरेक्ट लिख दिया मैंने गूगल पे जाके ना, फॉन्ट ऑसम का सी डी एन डायरेक्ट लिख दिया, ये आ गया मेरे पास 6.1.2 यही है ना लेटेस्ट बस। चलो मैंने यहाँ से उठा लिया, छोड़ो सही है, यहाँ से मैंने 6.1 का सी डी एन उठा लिया, रिफ्रेश किया आ गया भाई आई क्लोज। अब आई क्लोज आ गया, इसको क्लिक करने पे क्या होगा, ये शो हाइड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ आइकन भी साथ साथ चेंज हो। एक है सिर्फ आई, एफ ए सॉलिड एफ ए आई। अब ये इस तरह से काम नहीं करता, ये कि एट्रीब्यूट वगैरह का चक्कर नहीं है इसमें, ये पूरा आई है ना पूरा, ये चेंज होगा, ये पूरा आई जो है ना ये दो है, ये एक एफ ए स्लैश है और एक एफ ए जस्ट आई है। अगर एफ ए जस्ट आई रखूँगा मैं तो ये क्या होगा, सीधी आँख खुली हुई शो होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को यहाँ रखूँ ही नहीं, मैं इस पूरे को कट कर दूँ, इसको खाली रखूँ मैं यहाँ, इसको मैं क्या रखूँ,
खाली रखूँ और इसको मैं एक आई डी दे दूँ, बाद में डायनेमिकली रख पाऊँ इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा शो पासवर्ड बटन, ठीक है। अच्छा तो जब पेज खुलेगा तो क्या होना चाहिए, आई स्लैश होना चाहिए, जब पेज ओपन होगा तो आई स्लैश होना चाहिए कि भाई पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा है। जब मैं क्लिक करूं तो क्या हो जाना चाहिए, आई ओपन हो जानी चाहिए, खुली भी आँख होती है, खुली भी आँख लगा देते हैं। हिडन होता है भाई, पासवर्ड का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना पासवर्ड के फॉर्म का, वो हिडन होता है। कि मैंने फॉरन खोला और मैं किसी के पड़ोस में किसी बंदे के सामने टाइप कर रहा हूँ, उसको दिखे नहीं। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है, मतलब इसको क्लिक करने से आँख खुल जाएगी, यही सही है। लेकिन यार विंडोज में भी ऐसा नहीं होता मुझे जहाँ तक याद है। वेल चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, एक ही बात है, वैसे हम जब प्रोडक्शन में करेंगे तो देख लेंगे कहीं से। अब ये जो इफ़ है ना मेरा, मैंने कहा इफ पासवर्ड अगर है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एक और आईडी करो, ठीक है। इसका क्या नाम था, डॉट डिनर सॉरी, अभी मैं लगा रहा हूँ, अभी मैं डॉट लगा रहा हूँ। उसकी आईडी मैं ज़रा देखूँ क्या था, शो पासवर्ड बटन इसकी आईडी थी ना, सही है। और इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और एल्स में भी यही लगाऊंगा। अच्छा अब देखो एक लाइन से ज़्यादा हो गया ना, अब मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी वरना ये एरर देगा। सही है, आ जाओ भाई रिफ्रेश। मैंने कोई पासवर्ड लिखा, अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया, जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया मैंने, सही है। आई खुली भी है पहले, इसको बंद हो गई वापस खुल गई, बंद हो गई वापस खुल गई। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये उल्टा है, हाँ ये उल्टा है सर, बाय डिफॉल्ट बंद होगा वो। और सर इस पे वो मतलब ये देखो चेक करो सब लोग, सर क्लिक पे क्यों होगा, ये उसके होगा कि प्रेस होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्या आता है, क्या क्लिक होगा सर, प्रेस होगा बटन, हाँ तो शो होगा, अप होगा तो वो छोड़ूंगा तो गायब हो जाएगा, ये क्लिक करने पे शो कर रहा है और फिर क्लिक करने पे हाइड कर रहा है, डाउन और अप पे करेंगे। अब वो तो इवेंट से अब तुम लोग को खुद करवा लेना, बहुत इजी है वो तो आपको पता है, इवेंट की माउस डाउन पे वो चलेगा और माउस अप पे वो वापस शो हो जाएगा, वो पे वापस ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो आप लोगों को पता है कि कैसे होगा ये। कोड पुश कर दिया मैंने, अब भाई अपने हाथ से देख के लिख लेना एटलीस्ट इस कोड को, सही है, क्योंकि मैंने अभी पूरा करवा दिया ये।